वेलकम टू माय चैनल हर कोई शेफ। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसका नाम है राजमा रोल। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम राजमा, उसको मैंने रात भर भिगो लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून नमक और 2 पिंच मैंने यहाँ पे लिया है मीठा सोडा। और अब मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल दूंगी बॉयल होने के लिए। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर एक बाउल और इसपे कोई भी कॉटन कपड़ा, पतला जो बहुत ही महीन हो, वो कपड़ा मैं इसके बाउल के ऊपर लगा दूंगी। और इसमें मैं ये डालूंगी आधी कटोरी दही। अब इसे अच्छी तरीके से बांध कर और कहीं पर इसे लटका देकर, ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे थोड़ी देर के लिए लटका देंगे, लगभग 20-25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे राजमा मेरा बॉईल हो चुका है। अब हम इसे साइड रखते हैं और ये देखिए हमारा दही भी रेडी हो चुका है। ये दही का पानी निकला है, इसे हंग कर्ड भी बोलते हैं। ये देखिए अब मैं इसे एक बाउल में ले लेती हूँ, थोड़ा सा इसे मिला लेंगे। 1/4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे चीनी, 2 पिंच नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये कर्ड का पेस्ट हमारा रेडी है। अब मैं इसे साइड रखती हूँ। तो अब मैंने एक बाउल में ले लिया है बॉइल्ड राजमा, इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, एक हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ चाट मसाला, ये मैंने प्याज की पतली पतली लंबी स्लाइस काट ली है, ये डालेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे धनिया, अब मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया हुआ है आधा नींबू, इसको मैं इसमें थोड़ा निचोड़ूंगी। अब इसमें सारा सामान भर चुका है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो राजमा रोल का सामान रेडी है और ये मैंने यहाँ पे सिंपल आटा ले लिया है, ये बिल्कुल नॉर्मल आटा है। राजमा में अगर आपको सफेद नमक और मिर्च की कमी लगे तो आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चकला ले लिया है। अब इस आटे से हम एक पराठा बनाएंगे गोल में। इसे मैं आपको राउंड पराठा बना के दिखाती हूँ कि राउंड पराठा कैसे बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले आप एक इस तरीके से बनाएंगे और इसमें मैं लगा रही हूँ रिफाइंड, थोड़ा सा ये रिफाइंड लगाने के बाद इसे क्लोज करेंगे। तो ये क्लोज हो चुका है, अब इसे हम बेल लेंगे। आप इसमें सूखा आटा का यूज कर सकते हैं। तो ये राउंड पराठा हमारा बेल चुका है, आइए इसे। तो ये देखिए पराठा सीख चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले लेंगे ये पराठा, इसके ऊपर ये लगाएंगे हम कर्ड और इसे अच्छे से फैलाएंगे। तो ये कर्ड अच्छे से लग चुका है, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी राजमा। और इसको अच्छे से रोल करेंगे। इसी
तरीके से मैं एक और कर लेती हूँ। इसे अब मैं बीच से कट कर दूंगी इस तरीके से। तो ये हमारा राजमा रोल रेडी है। आप फटाफट से इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा बना। और प्लीज मेरे चैनल को